और इसके जस्ट पास में ये जो आप देख रहे हैं ये है एक सुरंग। अब ये कहाँ निकलती है इसका कोई आइडिया नहीं है, पर आप जब देखेंगे तो बिल्कुल सामने इल्तुतमिश का मकबरा ये देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल दिल्ली। दोस्तों आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर और वहीं मैं आपको दिखाने वाला हूँ इल्तुतमिश का मकबरा। पूरी सीरीज़ चल रही है दोस्तों, पूरी सीरीज़ आप लोग देखते रहना और आप लोग भी आ सकते हैं, 3500 रुपये की जस्ट टिकट है इसकी। तो चलिए मैं आपको इल्तुतमिश के मकबरा दिखाता हूँ। देखिए वो आपको कुतुब मीनार दिख जाएगा, इसके जस्ट पास में ये कब्रिस्तान है यहाँ पे। ये देखिए ये इसको बोर्ड भी लगा हुआ है, पीछे अलाई मीनार है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ। दोस्तों इल्तुतमिश जो थे ना वो दिल्ली के तीसरे शासक थे, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, उसके बाद एक शासक और थे, फिर तीसरे आए थे इल्तुतमिश जिनका ये मकबरा बना हुआ है। ये देखिए इंडो इस्लामिक आकार का ये मकबरा है, इसके ऊपर काफ़ी मकबरे के ऊपर आपको आयत भी दिख जाएंगी कुरान शरीफ की। ये देखिए इसके जस्ट गेट देखेंगे तो गेट के ऊपर ही आपको कुरान शरीफ की आयतें दिख जाएंगी लिखी हुई। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, और इसके जस्ट पास में ये जो आप देख रहे हैं ये है एक सुरंग। अब ये कहाँ निकलती है इसका कोई आइडिया नहीं है, पर आप जब देखेंगे तो बिल्कुल सामने इल्तुतमिश का मकबरा ये देखिए, ये है इल्तुतमिश का मकबरा। और इसके अंदर जो दोस्तों है तीन गेट है इल्तुतमिश के मकबरे के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एक गेट ये है दोस्तों जो आप देख रहे हैं, एक गेट वो सामने है, एक गेट ये है जिससे हम लोग आए हैं। और ये पूरा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं हर जगह। ये देखिए पूरे इसमें कुरान शरीफ की आयतें दिखेंगी आपको। आप गेट देखेंगे, गेटों के ऊपर भी लिखी है, अंदर मकबरे के अंदर लिखी हुई है। इसका जो गुम्बद था वो फिलहाल गिर चुका है, बताते हैं कि जब इसका गुम्बद रखा गया था उसी टाइम गिर गया था। अब मैं आपको मेहराब दिखाता हूँ। ये देखिए ये है मेहराब इसका, और मेहराब के अंदर भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है। पूरा संगमरमर का है, वाइट संगमरमर का, दोनों तरफ देखेंगे तो फूल लगे हुए हैं। और ये देखिए इस तरीके का बना हुआ है गुम्बद, इसका बहुत पहले ही टूट चुका है। और अब जो कवर है वो मैं कवर दिखाता हूँ आपको, ये पूरी संगमरमर की बनी हुई है। देखिए ये देख सकते हैं पूरी संगमरमर की है कवर, संगमरमर के पत्थर यूज़ करा गया। और जैसे मैंने सुरंग दिखाया था वो सुरंग हो सकता है इसके नीचे भी जाती हो, क्योंकि जो ज़्यादातर कवर जो है वो नीचे ही होती है, ये ऊपर एक डमी बना देते हैं। और उसका जो शासन रहा था इल्तुतमिश का वो 1210 से 1235 तक रहा था। ये देखिए चलिए मैं बाहर का दिखाता हूँ आपको। यह है दोस्तों बाहर का इसका, इस तरीके से इसका जो गुम्बद है वो बताते हैं उसी टाइम टूट चुका था। और काफ़ी पत्थर भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखिए ये काफ़ी सारे पत्थर हैं जो टूट चुके हैं। तो दोस्तों ये था इल्तुतमिश का मकबरा जो 1210 से 1235 तक इनका शासन रहा था, तीसरे शासक थे ये दिल्ली सल्तनत के। कुतुबुद्दीन ऐबक थे और दूसरे एक और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तीसरे थे इल्तुतमिश। तो आप लोग भी दोस्तों आके देख सकते हैं, इसकी 3500 रुपये की टिकट है अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं तो 40 की है। अब वीडियो को दोस्तों जो आपको अच्छा लगे शेयर लाइक कमेंट वो कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।